गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को रिलीज हुई अब कुछ समय बीत चुका है, इसका मतलब हम इस पर खुलकर बात कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप सबने ये मूवी देख ली होगी, क्योंकि आगे हम इसके स्पॉयलर्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स से। वैसे तो इस मूवी में कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाते हैं, तो दो चार नेगेटिव पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। और वैसे ही मेरे हिसाब से इस मूवी का पहला नेगेटिव पॉइंट होगा कि ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के अंदर ये मूवी सीधा अपने पॉइंट पे आ जाती है, उसके अराउंड बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं करती है। कम से कम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट इसे गार्जियंस को उनका मोमेंट देना चाहिए था। और वहीं दूसरी तरफ हमें हाई इवोल्यूशनरी का एडम वॉरलॉक वाला प्लान भी दिखा सकते थे। इस मूवी में दूसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए था काउंटर अर्थ के लोगों का वीएफएक्स, जो कि कई जगह ठीक था पर कुछ जगह पर वो खिलौने लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने जानवरों के कपड़े पहन रखे हो। आई मीन उन्हें बनाते वक्त ये बताया गया था कि ये अभी वाले जानवर के हजारों करोड़ साल वाले इवोल्यूशन का रूप है, जो कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए था। एंड तीसरा और आखिरी नेगेटिव पॉइंट, जो कि नेगेटिव है भी और नहीं भी, वो था एडम वॉरलॉक। अगर आप मूवी के स्टार्टिंग में देखोगे तो वो कहानी में इंपॉर्टेंस रखता है, आई मीन शुरुआत तो उसी से हुई थी। एंड लास्ट में भी वो अपने माँ को खो देता है, जिस पर उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस चीज का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मूवी में दिया गया कि वो अभी भी जन्मा है और पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाया था, तो अभी उसे बाहर निकाल लिया गया। और इसीलिए वो एक प्री मेच्योर इनोसेंट चाइल्ड की तरह नजर आता है, जो कि बहुत ही पावरफुल है और उसे जो भी कहा जाएगा वो वही करेगा। बस बहुत हुआ, इसके अलावा मुझे कोई और भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, अगर आपको मिला तो जरूर बताना। एंड नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव पॉइंट, मैं बता दूं कि मार्वल के लिए मूवी सबसे बड़ा पॉजिटिव थी। इस मूवी की जरूरत थी मार्वल को, और मार्वल से भी ज्यादा इस मूवी की जरूरत हम फैंस को थी, जो कि बहुत ही लंबे समय से कोई एक ऐसी मूवी का इंतजार कर रहे थे, खासकर मार्वल की तरफ से। और ये मूवी हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। बहुत दिनों के बाद मार्वल में कोई एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है जिसके बारे में हम खुलकर बात कर सकते हैं, जिसे हम किसी को भी देखने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं बिना इस चिंता के कि सामने वाला कहीं हमसे रिकमेंडेशन लेना बंद न कर दे। साथ ही ये एक ऐसी मूवी थी जिसे हम फुर्सत में तीसरी चौथी बार भी एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। वैसे तो ये मूवी मेनली रॉकेट के अराउंड बिल्ड करी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये सभी कैरेक्टर को साथ लेकर चलती है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह किसी कैरेक्टर को पीछे नहीं छोड़ती है। और इस मूवी का मेन विलन हाई इवोल्यूशनरी भी एक प्योर इविल पर्सन है, जिसे बेमतलब का ग्रे शेड देकर कोई बैक स्टोरी थोपने की कोशिश नहीं करी गई है। उसे शुरुआत से लेकर अंत तक प्योर इविल दिखाया गया है, जो कि खुद परफेक्ट नहीं है लेकिन एक परफेक्ट दुनिया बनाना चाहता है और अपने से परफेक्ट लोगों को देख भी नहीं सकता है। इस मूवी की सबसे खास बात जो मुझे लगी कि ये हर समय आपको एक इमोशन में बांधे रखता है। ये पूरी मूवी इमोशंस के दो फेज में चलती है, जहाँ पर पहले में आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाते हो और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, और वहीं दूसरी तरफ ये मूवी आपको तुरंत हंसा भी देती है। और मूवी में इमोशंस के ये दो अपोजिट फेज कई बार एक साथ आते हैं, लेकिन कभी भी मिक्स होकर आपका मोमेंट खराब नहीं करते थॉर लव एंड थंडर की तरह। एंड लास्ट में जेम्स गन ने किसी भी गार्जियन के मेंबर का सेक्रीफाइस नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी गार्जियंस गार्जियंस नहीं रहे। हमारे पास गार्जियंस की एक नई टीम जरूर है, जिसका लीडर रॉकेट है, लेकिन उसे कंपटीशन करने के लिए टीम में स्टार लॉर्ड नहीं है। गमोरा का एमसीयू में रिटर्न हो चुका है, जो कि अब रेवेजर्स के साथ है, लेकिन ये गमोरा वो गमोरा नहीं है। नेबुला और ड्रैक्स मिलकर एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ड्रैक्स द डैड ने ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर को कहीं पीछे छोड़ दिया। मैंटिस अब किसी तरह के बंधन में नहीं बंधी हुई है, वो पूरी तरह से आजाद है और अपनी मर्जी का हर चीज कर सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे पास गार्डियंस की एक नई टीम तैयार है, कुछ नए चेहरे और नए शक्तियों के साथ, जो कि गैलेक्सी की रक्षा पर हर समय तैनात है। और इसी के साथ ये मूवी हम सबके दिलों पर एक स्पेशल छाप छोड़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना।